आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अदिति। बाबरी मस्जिद, ये नाम आते ही 1992 में हुए राम मंदिर के आंदोलन की तस्वीरें सामने आ जाती है। अब राम जन्मभूमि को लेकर विवाद भले ही सुलझ गया हो, लेकिन बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराने की हुई घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज उसी ऐतिहासिक घटना की 28वीं बरसी है। इस पूरे मामले में 28 साल तक राजनीति चली और आखिरकार 30 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपी भले ही बरी हो गए हों, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना हिंदुस्तानियों के दिल में हमेशा के लिए ठहर गई। आइए बताते हैं आपको बाबरी मस्जिद प्रकरण की पूरी दास्तान। 6 दिसंबर 1992 को होने वाली कार सेवा के लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि देश के समस्त लोग इस कार सेवा में हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट की ओर से संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। कार सेवा के समय कुछ असामाजिक तत्वों के कारण वहां का माहौल अस्तव्यस्त हुआ और बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। 6 दिसंबर की सुबह से, या यूं कहें रात से ही, विवादित परिसर के आसपास सिर्फ कार सेवक और पुलिस वाले ही दिख रहे थे। सुबह होते ही उत्साह से लवरेज कार सेवक सारे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर पहुंचे, जिसे जिधर जगह मिली उधर से ढांचे के ऊपर चढ़ा। किसी के हाथ में कुछ था नहीं, लेकिन उत्साह इतना प्रबल था कि ईंट पत्थर जो मिला उसी से ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में कार सेवक ढांचे के ऊपर चढ़े और कुछ घंटों के भीतर मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। उसके ठीक बाद मामले की पहली एफआईआर 6:15 पर राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुई, जिसमें लाखों अज्ञात कार सेवकों को आरोपी बनाया गया, लेकिन कोई भी नामजद नहीं था। 10 मिनट बाद यानी 6:25 पर दूसरी एफआईआर गंगा प्रसाद तिवारी ने लालकृष्ण अडवाणी सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। वह तत्कालीन राम जन्मभूमि चौकी इंचार्ज थे। दूसरी एफआईआर के दर्ज होते ही राजनीति होने लगी। मामला उग्र हुआ और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने जब अपनी विवेचना शुरू की तो 49 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद ये मुकदमा दो हिस्सों में चला, एक रायबरेली और दूसरा लखनऊ में। जितने बड़े नेता थे उनसे संबंधित मुकदमा रायबरेली में चल रहा था, जबकि लखनऊ में अन्य लोगों से संबंधित केस। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। साल 1996 में यूपी सरकार ने दोनों केस को एक साथ चलाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने दोनों मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र का मामला जोड़ा, जिसे आडवाणी सहित अन्य आरोपियों ने चुनौती दी। 4 मई 2001 को सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का आरोप हटा दिया। 23 मई 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का चार्ज हटाया और सीबीआई 2012 में सुप्रीम कोर्ट गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र को एक बार फिर बहाल कर तेजी से ट्रायल का निर्देश दिया। 21 मई 2017 से प्रतिदिन इस केस की सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद कोर्ट में सभी आरोपियों के बयान दर्ज हुए। कोरोना महामारी के कारण लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित कई आरोपियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। 8 मई 2020 सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी तारीख फिर आगे बढ़ गई। इसके बाद 16 सितंबर को जज सुरेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक केस में फैसले की तारीख 30 सितंबर घोषित की। 30 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया।